दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हमेशा आपके पास नए नए वास्तु के पहलू लेकर के पेश होता हूँ। आज भी हम ऐसा ही एक नया पहलू लेकर के पेश होने जा रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वास्तु जो है वो 90% 80% आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब भी कोई NRI हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी खरीदेगा, सिर्फ इसलिए कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ इसलिए कि वो कभी वो आएगा तो आके रहेगा, तो उसका वो वास्तु नहीं जानता है, लेकिन जब भी वो किसी प्लॉट के ऊपर नक्शे के ऊपर हाथ रखेगा तो वो नॉर्थ वेस्ट जंक्शन का प्लॉट होगा या ऐसा प्लॉट होगा जिसका गेट नॉर्थ वेस्ट में है। चूंकि नॉर्थ वेस्ट का गेट प्रदेश गमन का योग देता है, चाहे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे पश्चिम वायु हो, चाहे उत्तर वायु हो, तो वो उसी पे हाथ रखेगा, क्योंकि वो NRIs का गेट है। मतलब अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप भी NRI हो जाओगे, और NRI जब लौट करके हिंदुस्तान में कोई मकान लेगा तो वो वायु कोने के मकान को ही सिलेक्ट करेगा। वो नहीं जानता है, पर उसकी जो ऊर्जा है वो उसको मजबूर करेगी वहाँ सिलेक्ट करने के। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो हमने एक कमर्शियल बिल्डिंग देखा जिसको सेमी बेसमेंट है और एक और बेसमेंट है पार्किंग के लिए, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये -5 + 5 में बना है। ज़मीन के नीचे 5 फुट है, ज़मीन के ऊपर 5 फुट है, इसकी दुकान है, उसके बाद +5 में दुकान है, और इसी बिल्डिंग को एक बेसमेंट भी है। अब इसकी एक ईशान से एक एंट्री है जो अग्नि तक जाती है बेसमेंट में आने के लिए, और एक एंट्री इसको नैऋत्य से मिलती है, क्योंकि इस प्लॉट का जो रोड है वो उत्तर और पश्चिम में लागू होता है, तो इसको एक एंट्री नैऋत्य से भी मिलती है। तो जिस आर्किटेक्ट ने बनाया, उस आर्किटेक्ट ने यही सोच के बनाया कि यहाँ से हम एंट्री लेंगे और यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे, या यहाँ से हम एंट्री लेंगे ईशान से और नैऋत्य से एग्जिट कर जाएंगे। तो ईशान की ढलान अग्नि की तरफ जा रही है और नैऋत्य की ढलान भी अग्नि की तरफ जा रही है, लेकिन बिल्कुल कोने तक नहीं जा रही, उससे पहले टर्न हो जाती है गाड़ी के अंदर लेने के लिए। तो जो कॉर्नर है वहाँ पर ये तय किया गया कि चलो एक 15 फुट ऊंची 10 फुट by 10 फुट की बिल्डिंग के लिए एक पानी की टंकी बना देते हैं। तो वहाँ एक पानी की टंकी बना दी गई 15 फुट की, जो -15 फुट में है, -15 से चलती है, और उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखा गया, क्योंकि वो स्लैब था तो उनको वहाँ कहीं ट्रांसफार्मर रखने की फिर कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने वहाँ ट्रांसफार्मर रख दिया। पानी के ऊपर ट्रांसफार्मर अलाउड है, अग्नि जो है वो जल के ऊपर है, अग्नि जल के नीचे नहीं है। ट्रांसफार्मर के ऊपर पानी की टंकी नॉट अलाउड, लेकिन पानी की टंकी के ऊपर ट्रांसफार्मर अलाउड है। लेकिन अग्नि कोने में जो पानी आया उसके दोष की बात करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि अग्नि कोने में खड्डा भी आ गया और अग्नि कोने में पानी की टंकी भी आ गई। तो बात जब हुई, उनके जो ट्रस्टीज थे उनके साथ जब बातचीत हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं एक सवाल करूं आपसे, आप लोग मुझे जवाब देंगे, बुरा तो नहीं लगेगा। तो बोले नहीं जी बताइए क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपकी बिल्डिंग में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, जितनी भी औरतें काम करती हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होगी। तो बोले बताओ क्या। तो मैंने कहा कि ये सब लड़कियाँ बिन ब्याही होंगी, और अगर कोई ऐसी है जिसका ब्याह हो गया है तो या तो वो सेपरेटेड होगी या वो डाइवोर्सी होगी। बोले सोच के बताते हैं। तो उन्होंने सोचा, 1-1.5 मिनट सोचा, और 1.5 मिनट के बाद कहा कि ज्ञानी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ पूरी बिल्डिंग में, मतलब वहाँ बहुत सारी ऑफिसेज हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत लड़कियाँ काम करती हैं, लेकिन सब बिन ब्याही। तो जैसे एक NRI वायु कोने की एंट्री को ही पसंद करेगा, ऐसे वो लड़कियाँ जिनकी विलंबित शादियाँ हैं या जिनके घर में अग्नि कोने में पानी की टंकी है, अग्नि कोने में टॉयलेट ब्लॉक बाथरूम है, अग्नि कोने में खड्डे में सेप्टिक टैंक है, अग्नि कोने में बेसमेंट है, वो सब यहाँ नौकरी करने आएंगी, और उनकी ऊर्जा उनको इस ऊर्जा में ले आएगी नौकरी करने के लिए,
और उनकी शादी का योग नहीं बन सकता है, और अगर बनेगा तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब्ड होगी। अग्नि कोने में गड्ढा, अग्नि कोने में पानी नॉट अलाउड, एस्पेशली फॉर द गर्ल्स एंड वेमेन, दे विल बी द ओनली पीपल हु विल बी अफेक्टेड विद दिस वास्तु दोष। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।